खरगोन जिले में पर्याप्त खाद का दम भरने वाले प्रशासन के सामने मुख्यालय पर भी लंबी कतार लग रही है। इतना ही नहीं, महज 3 कट्टे खाद पाने के लिए किसान रात को जग रहे हैं। सोमवार को उमरखली रोड स्थित शासकीय गोदाम पर करीब 1000 किसान जिले के अलग अलग ब्लॉकों से पहुंचे। किसानों ने बताया, कोई रात 2 बजे तो कोई 3 बजे से कतार में लगा है। जिले के किसान पिछले 15 दिनों से खाद बिक्री केंद्रों पर लग रही लंबी लाइनों में धक्के खाने को मजबूर है। पहले टोकन के लिए लाइन में धक्के खाने पड़ते हैं, टोकन मिल भी जाए तो खाद लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आधी रात में केंद्र तक पहुंचने के दौरान रास्ते में गश्त कर रही पुलिस के सवालों का सामना करना परेशानी और भी बढ़ा रहा है। उमरखली केंद्र पर किसानों की बढ़ती संख्या देख एमपी एग्रो के परिसर में नई काउंटर की शुरुआत की गई। लेखापाल ने बताया कि एमपी एग्रो का अब तक कृषि मंडी में काउंटर था। सोमवार में उमरखली रोड पर खाद बिक्री शुरू की गई। यहां स्टॉक की 550 खाद के कट्टों के टोकन बांटे गए। हालांकि दोपहर में 650 कट्टों का एक ट्रक खाद फिर पहुंचा, जिसके बाद शेष किसानों को भी टोकन दिए गए। खाद किल्लत के बीच अफसरों का एक ही जवाब रहता है कि मांग अनुसार यूरिया की आवक होती है और सोसाइटियों में भी भेज रहे हैं। क्या अभी खाद है पर्याप्त? हाँ है, अभी तो आ ही रहा है, रेखे लगती जा रही है, अपन देते जा रहे हैं किसानों को, लगातार माल आ रहा है। ये आज मांग को देखिए, नया काउंटर नया चालू किया है काउंटर अपन ने, मतलब हम मंडी से यहाँ पे मांग ज़्यादा थी, इस कारण से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कि मतलब भीड़ को कम किया जाए। किस संस्था के बिलों से बांट रहे हैं? हम एमपी स्टेट एग्रो के। गांव में खाद नहीं मिल रही है क्या? नहीं, गांव में तो पर्याप्त जा रहा है, सोसाइटी के माध्यम से भी जा रहा है, लोग यहाँ आ रहे थे। हाँ वो भी है, अब वो लोगों का वो रहता है कि आते रहते हैं, उनको वहाँ कम मिल रहा हो, यहाँ यहाँ पे भी आते हैं लोग। कितना दे रहा है अपन? अपन अधिकतम 3 बोरी दे रहे हैं, जिस हिसाब से अपने पास स्टॉक उसके हिसाब से। पावती किस पे? पावती पे दे रहे हैं, पावती को देख के उसके हिसाब से दे रहे हैं। कितना खाद वितरण कर रहे हैं? हम 550 बैग तो अभी कर ही रहे हैं, और अगली गाड़ी खाली हो रही है वो भी मतलब बेचेंगे। 560 बैग और आई है वो भी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र ठाकुर है। किस पद पे हो? अकाउंटेंट हूँ मैं। क्या परेशानी आ रही सर? 3 बजे से रात से बैठे हैं तो खाती नहीं दे रहे, अभी तक लाइन में खड़े, और दुआ के उनको आप ही पहुंचा दिया, और 10 एकड़ वालों को भी 3 बोरी दे रहे, खाती नहीं दे रहे पूरा। क्या आपके समिति में खाती नहीं मिल रहा है? दुकान पे भी नहीं मिल रहा और समिति में भी नहीं मिल रहा। यहाँ कब से आए आप लोग? यहाँ मैं 3 बजे रात से आया हूँ, और रास्ते में पुलिस वाले भी रुके थे। 200 क्या नाम है तुम्हारा? सूरज। कहाँ से आए? नामखेड़ा से। चले कहाँ से आए? मांडोखेड़ा। कब से आए? ये 2 बजे से लगा हूँ। क्या परेशानी है? परेशानी वो खाद नहीं मिल रहा, और खाद मिल भी जाए तो ये 2 बोरी 3 बोरी दे रहे हैं, आवश्यकता अनुसार नहीं मिल रहा ना अपने को। खुले बाजार में भी नहीं मिल रही है? खुले बाजार में भी नहीं है, नहीं मिल रही। और मिले भी तो 450-350 में मिल रही हूँ। महंगी मिलती है? महंगी मिल रही ना। क्या नाम है? महेंद्र सिंह वास्कले, मांडोखेड़ा से। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।